दिल्ली गए और दिल्ली की गलियों का जायका नहीं लिया तो क्या किया? Hey, it's Akshay from Kitchen Flames, और आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं दिल्ली जब भी विजिट करता हूँ तो आई डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं पहाड़गंज जाके मशहूर चावला जी के चुरचुर नान जरूर खाऊं। तो आज हम उन्हीं की रेसिपी को रिक्रिएट करेंगे बट मेरे स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। नान का डो तैयार करने के लिए हम यहाँ 250 ग्राम मैदा लेंगे। मैदे में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून चीनी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून देसी घी। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हमें तब तक करना है जब तक कि मिक्सचर ब्रेड क्रम्स की तरह ना दिखे। ये देखिए मैं कैसे दोनों हाथों से मिक्सचर को रब कर रहा हूँ, बस आपको भी इसी तरह करना है। हमारा डो का मिक्सचर ब्रेड क्रम्स की तरह अब दिखने लगा है। अब आप क्या कीजिए, मिक्सचर को आप अपने हाथ में लें। अगर वो इस तरह से बंध जाता है और थोड़ा दबाने के बाद अगर वो टूट जाए, इसका मतलब है कि आपने घी एकदम सही डाली है। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के आसपास दही और हल्का सा पानी से इसका आटा लगाएंगे। मेक श्योर आपका पानी गुनगुना हो, ज़्यादा गर्म नहीं। थोड़ी देर नीड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूँगा और अच्छे से इसे फिर से नीड करूँगा। गाइस, नान बनाने के लिए हमें एक सॉफ्ट डो चाहिए और वो तभी मिलेगा जब हम इसे अच्छे से नीड करेंगे। तो हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए नीड करेंगे जब तक हमें एक सॉफ्ट और स्मूथ डो नहीं मिल जाता। 6 मिनट की नीडिंग के बाद ये देखिए हमारा डो कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून देसी घी और इसे 1 मिनट के लिए और नीड करेंगे। 1 मिनट और नीड करने के बाद हमारा डो एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। ये देखिए इतना सॉफ्ट। अब क्योंकि इस डो की हमने इतनी पिटाई की है, अब हम इसे एक गीले कपड़े से कवर करके रेस्ट देंगे करीब 1 घंटे के लिए। 1 घंटे रेस्ट देना इज अ मस्ट। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, हम बना लेते हैं अपने नान की स्टफिंग। स्टफिंग में हम यहाँ लेंगे 100 ग्राम पनीर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। पनीर के बाद हम यहाँ डालेंगे 2 बॉइल्ड और ग्रेट किए हुए आलू, 2 बारीक कटे हुए प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े धनिया के पत्ते, 1 टीस्पून अदरक जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून अजवैन, 1/2 टीस्पून काला नमक फॉर एडिड फ्लेवर। अब हम इसमें डालेंगे ये साबुत धनिया जिसे मैंने रफली क्रश कर लिया है। गाइस, धनिया डालने से इस स्टफिंग का जायका बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी चुरचुर नान की स्टफिंग बनके एकदम तैयार है। इसे अब हम साइड में रख देंगे। हमारे डो को रेस्ट हुए 1 घंटे हो गए हैं और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे अपने काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सूखा मैदा डाल के इस डो की एक बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद हम अपने डो को काउंटर टॉप पे रखेंगे और इसे अपने हाथ से फैलाएंगे। हमें इसे जितना हो सके स्प्रेड करना है। डो को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे देसी घी।
और इसे भी हम अच्छे से सब तरफ स्प्रेड कर देंगे। देसी घी स्प्रेड करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सूखा मैदा। सूखा मैदा डालने के बाद हम इसे एक साइड से रोल करना स्टार्ट करेंगे। हमारा डो रोल हो चुका है। अब जहां भी थोड़ी बहुत ओपनिंग्स हैं उसे हम पिंच करके सील कर देंगे कुछ इस तरह से। हमारा डो अच्छे से सील्ड हो चुका है। अब हम इसे इक्वल पोर्शंस में काट लेंगे। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें थोड़ा सूखा मैदा लगाएंगे और हाथ से प्रेस करेंगे। मेक श्योर आप एजेस को पतला रखें और सेंटर को मोटा। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हम इसमें वो स्टफिंग डालेंगे जो हमने प्रिपेयर करके रखी थी और डो को अच्छे से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम इस पे लगाएंगे धनिया के कुछ पत्ते। अब हम इसमें लगाएंगे कलौंजी यानी मंगरेल के सीड्स और बारीक कटे हुए लहसुन। अगर आपको लहसुन नहीं पसंद तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसे हल्के हाथ से प्रेस करेंगे ताकि ऊपर की जितनी टॉपिंग्स हैं वो अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे रोलिंग पिन की हेल्प से हल्के हाथ से स्प्रेड कर देंगे। मेक श्योर आप ज्यादा प्रेशर लगा के ना स्प्रेड करें, नहीं तो सारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। अब इसकी दूसरी साइड पे हम पानी लगा देंगे और एकदम गर्म तवे पे इसे कुक करेंगे जब तक ये एक तरफ से कुक नहीं हो जाता। 2 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद हमारा नान नीचे से पक चुका है। अब हम इसे पलटेंगे और 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे और कुक करेंगे। हमारा नान दूसरी तरफ से भी 2 मिनट कुक हो चुका है। अब इसको वो भट्टी वाला फ्लेवर देने के लिए हम इसे कुक करेंगे ऑन डायरेक्ट फ्लेम। डायरेक्ट फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे जब तक इनमें अच्छे गोल्डन स्पॉट्स नहीं आ जाते। ये देखिए हमारा नान चारों तरफ से अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा बटर। अब नान है और नान में बटर ना जाए तो क्या मजा है। अच्छे से मक्खन लगाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी धनिया और इसे हम कर देंगे क्रश यानी चूर चूर। ये देखिए चूर चूर नान, इसलिए तो इसको बोला जाता है। क्यों लग रहा है ना एकदम खतरनाक। दिल्ली का ये मशहूर चूर चूर नान आप अपनी फेवरेट चटनी के साथ सर्व करें और इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ किचन फ्लेम्स विद येट अनदर इंटरेस्टिंग एंड डिलीशियस रेसिपी। अंटिल देन दिस इज अक्षय साइनिंग ऑफ।